खुद को देश सेवा के लिए सक्षम बनाएं। चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस देश में तुम रहते हैं, क्या देश हम में है? पर लगता है अब कि कोशिश तो कर सकते हैं, देश के लिए मर मिटने वालों से मिल तो सकते हैं। मिल जाएगी हिम्मत उनकी शहादत की कहानियों से, हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, देश के लिए कुछ तो कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद, चित्तूर की रानी। पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी। रानी चेन्नम्मा। जन्म 23 अक्टूबर 1778। जन्म 23 जुलाई 1906। रानी चेन्नम्मा 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी सेना बनाकर लड़ने वाली पहली रानी थी और तभी से वह भारतीय स्वतंत्रता अभियान की पहचान बन गई थी। चंद्रशेखर आजाद की माँ उसे संस्कृत का अध्यापक बनाना चाहती थी, पर वे अपनी मातृभूमि के लिए अपने बलिदान को प्रतिबद्ध थे। रानी चेन्नम्मा अपने गोद लिए हुए पुत्र शिवलिंगप्पा को कित्तूर का शासक बनाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों को ये कभी मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने निष्कासित करने का आदेश दे दिया था, पर रानी चेन्नम्मा ने उसका कड़ा विरोध किया। जब गांधी जी ने असहकार का आंदोलन शुरू किया, तब चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ 15 साल की उम्र में भाग लिया। उसके कारण वे पकड़े भी गए। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब उन्होंने अपनी पहचान आजाद बताई और तब से वे चंद्रशेखर आजाद के नाम से मशहूर हुए। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा के खजाने और आभूषणों को हथियाने के लिए बड़ी सेना बनाकर उनके आक्रमण कर दिया। फिर भी रानी चेन्नम्मा बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों से लड़ी और वहीं लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। गांधी जी से विभक्त होने के बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। उन्होंने हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक एसोसिएशन में सदस्यता हासिल की। उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी घटना को अंजाम दिया। पश्चात उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर विधानसभा में घटना को अंजाम दिया और इस घटना के चलते अंग्रेजों को भनक लग गई और उन्होंने अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने के बजाय शहादत लेना ज्यादा मुनासिब समझा। माँ हम विदा हो जाते हैं, हम विजय के तूफे हराने आज, तेरी बलि वेदी पर चढ़कर माँ निज शीश कटाने आज। चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहाँ जश्न हो वो बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। अगर आपके खून में रोष नहीं तो खून नहीं वो पानी है, ऐसी जवानी का क्या मतलब जो देश के काम ना आए। यदि कोई युवा अपनी मातृभूमि की सेवा नहीं करता है तो उनका जीवन व्यर्थ है। अभी भी जिसका खून नहीं खोला वो खून नहीं वो पानी है, जो मातृभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी। चेन्नम्मा के नाम का आत्मविश्वास दिखाई देता है।